नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार ऐसी इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, रियल लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से अगर आपको कोई इमरजेंसी, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या आपको कोई ऐसी इमरजेंसी है, कहीं से भी आपकी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो आप इन ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हैं। इंस्टेंट अप्रूवल है, तुरंत आपके खाते के अंदर पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और जो एप्पल का ऐप स्टोर होता है उस पर भी अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप कितना लोन लोगे, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट है इसका, कितना आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा, क्या इसका इंटरेस्ट रेट है, क्या APR है, इन ऐप्स की क्या रेटिंग है, क्या डाउनलोड्स है, सारा रिव्यू इन ऐप्स का हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन से वह चार इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है जिनके माध्यम से आप इमरजेंसी में लोन ले सकते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट अप्रूवल होके तुरंत आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। इन ऐप्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आप लोन लें, नहीं तो आप लोन लेने से बचें। दूसरा, आप अपने पर्सनल शौक़ पूरा करने के लिए, हवाबाजी करने के लिए, पर्सनल खर्चों के लिए लोन ना लें। तीसरा, आप जब भी लोन लें तो 3-4 प्लेटफॉर्म पे आप कंपेयर करके, इस प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिलता हो उस ऐप पे आपको लोन लेना है, और मेरे कहने या किसी के भी कहने पर आपको लोन नहीं लेना है। लोन लेने से पहले आपको 3-4 ऐप पे कंपेयर कर लेना है, आपको ये चेक कर लेना है कि वो ऐप रियल है या फेक है। चाइनीज़ ऐप के बिल्कुल भी चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो पहला ऐप है मनी व्यू। तो मनी व्यू के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसका ऐड भी आपने देखा होगा। अगर इसके रिव्यू की बात करें तो इसका रिव्यू 4.7 और अगर इसके डाउनलोड्स की बात करें तो 5 करोड़ प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। तो ये ऐप आपको 5,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है और इसके रीपेमेंट की ड्यूरेशन है 3 महीने से लेके 5 साल तक की। तो ये आपको 3 महीने से 5 साल तक का लोन देता है, मैक्सिमम 5 साल तक के लिए आप इससे लोन ले सकते हैं। अगर इसके APR की बात करें एनुअल परसेंटेज रेट की, तो 16% से 39% इसका APR है और इसका प्रोसेसिंग फीस है 2% से लेके 8% तक। कोई हिडन चार्जेज नहीं है इसमें। लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें दिखा रखा है कि आप पर्सनल लोन ले सकते हो, इसमें आप सैलरीड हो सकते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। अगर मिनिमम सिविल स्कोर आपका 600 है या 600 से ऊपर है तो आप लोन ले सकते हो, और आपकी एज है वो 21 साल से 57 साल के बीच होनी चाहिए और आपके बैंक में आपकी सैलरी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इनके लेंडिंग पार्टनर्स की लिस्ट है, तो लेंडिंग पार्टनर्स वो है जो इनके NBFC से इनका कॉन्टेक्ट है, जो कंपनियाँ लोन देती है, जो NBFC है उनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो आप। अगर इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इनका ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हो, और इसका ऑफिस है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। इसके बाद हम दूसरे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप की बात करें तो वो है बडी लोन। लोन ऐप की अगर हम रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर 4.5 रेटिंग है और अगर डाउनलोड की बात करें तो 1 करोड़ प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। तो बड़ी लोन आपको 10,000 से लेके 15 लाख तक का लोन आपको देता है और इसमें इंटरेस्ट रेट है 11.99, यानी 12% की इसमें इंटरेस्ट रेट है, और ये आपको 6 महीने से लेके 5 साल तक का लोन देता है बड़ी लोन। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है कि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 13% पड़ेगा और 1 लाख का लोन आपको 1 साल के अंदर वापस पे करना है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 2% लगेगी 1 लाख का, यानी 2,000 प्लस GST, तो कुछ GST और प्रोसेसिंग फीस मिला के 2,360 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे ये ऐप आपसे लाइन सेटअप फीस भी लेता है, जो कि 499 प्लस GST 588 रुपये है। उसके बाद में आपका मंथली EMI बनता है 8,932 रुपये। परसेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहाँ पे आपका 1 लाख का 7,181 रुपये इंटरेस्ट बनता है। तो टोटल लोन आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा 1,10,129 रुपये। तो बड़ी ऐप लोन में जो भी लेंडिंग पार्टनर्स है, जो भी NBFC कंपनीज है, उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी, ये कंपनियाँ आपको लोन देगी। अगर आपको इस लोन के बारे में या बड़ी ऐप के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इनका
ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में है। आप कॉल करके या ईमेल के थ्रू और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो इससे भी आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे लोन ऐप के बारे में तो वो है होम क्रेडिट। तो इसका अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग है 4.4। इस ऐप की डाउनलोड है 50 लाख प्लस। तो ये RBI द्वारा रजिस्टर्ड ऐप है पर्सनल लोन के लिए। 100% पेपरलेस वर्क है और इजी प्रोसेस है इसका। तो इसमें आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट है 24% से लेके 49% तक। और इसमें आप 6 महीने से लेके 48 महीने तक का लोन ले सकते हैं। अगर इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 3.9% से लेके 4.06% तक। कुछ 24% इंटरेस्ट रेट है। और अगर रीपेमेंट आप 12 महीने के अंदर करते हैं तो इसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस 1,000 प्लस 250 रुपये कन्वेंस फ़ीस। तो होम क्रेडिट में कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है? आपकी एज 19 साल से 68 साल होनी चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए, आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड या पेंशनर हो सकते हो और आपका एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इनके 1.6 करोड़ प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, मोर देन 50,000 प्लस पार्टनर है शॉप्स वाले। इंडिया में इनकी 600 प्लस सिटी में इनकी सर्विस है। यहाँ पे नीचे इनका ईमेल एड्रेस दे रखा है, इनकी खुद की वेबसाइट है वो दे रखी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। गुड़गांव में इनका हेड ऑफिस है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 लोन ऐप के बारे में, जिसका नाम है किस्त इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट। इस ऐप की रेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी 4.0 रेटिंग है और यहाँ पे हम डाउनलोड की बात करें तो 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है इसके। किस्त ऐप RBI से रजिस्टर्ड NBFC लोन ऐप है, यानी कि किस्त लोन ऐप RBI से रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। किस्त आपको अप टू 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। अगर इसके APR की बात करें तो ये यहाँ पे 18% से लेके 36% पर एनुअल है। ये ऐप आपको 2 साल के लिए लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो इस ये आपको 12 महीने में रीपेमेंट करना पड़ता है। इसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 30% है। अगर इसके प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो 3% है, यानी अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो 3,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है और टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पड़ता है 1 लाख पे 16,985 रुपये और मंथली EMI आपकी बनती है 9,747 रुपये। इसके APR की बात करें तो 36.86% इसका APR है। लोन अमाउंट 1 लाख है। आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस काट के आपके अकाउंट में 97,000 रुपये क्रेडिट कर दिए जाते हैं और टोटल आपको रीपेमेंट वापस करने पड़ते हैं 1,16,985 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस और इंटरेस्ट मिला के आपको 19,985 रुपये एक्स्ट्रा पे करने रहते हैं। इसके अलावा ये ऐप कुछ NBFC के साथ में भी काम करता है, जिसकी लिस्ट यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये भी बता रखा है कि आप किस्त लोन पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको किस्त ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, कुछ परमिशन देनी है, आपको KYC डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन आपको साइन करना पड़ता है। उसके बाद में जैसे ही आपका लोन अप्रूव होता है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन केस अगर आपको कोई इश्यू फेस करना पड़ रहा हो तो यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे आप संपर्क करके इनसे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, जिसका एड्रेस यहाँ पे नीचे दे रखा है। तो मैंने आपको 4 पर्सनल इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में पूरी जानकारी दे दी, कितना ये लोन देते हैं, क्या इनका इंटरेस्ट रेट है, क्या प्रोसेसिंग फ़ीस है, सारी जानकारी सारी डिटेल आपको मैंने इस वीडियो के अंदर दे दी। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। पर्सनल इंस्टेंट फास्ट अप्रूवल है, तुरंत आपके अकाउंट में जैसे ही अप्रूव्ड होता है लोन आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है।